नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयूधी शशि। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर आपने बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार देखी है। ग्राउंड से हमने आपको वहां के सारे हालात बताए हैं। हर एक मुद्दे पर हमने चर्चा की है, एक्सपर्ट को जोड़ा है। और आज 10 बजे में चर्चा इस पर है कि अफगानिस्तान में आज तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हो सकता है। तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। इस सरकार का गठन कल जुमे की नमाज के बाद होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खास बात यह है कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि वो चीन की मदद से अफगानिस्तान में आर्थिक मोर्चे पर काम करेंगे। वहीं अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अमेरिका आईएस खुरासान के खिलाफ लड़ाई में तालिबान के साथ काम कर सकता है। खुद तालिबान पाकिस्तान को दूसरा घर बता चुका है, यानी तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान से चीन की करीबी अब जाहिर हो चुकी है। एक तरह से सब एक्सपोज है। अब अमेरिका भी इस खेल में अलग नहीं रहना चाहता। हमारी आज की 10 बजे की जो बहस है वो इसी पर है कि आखिर इन देशों का यू टर्न कैसे एक नई अंतरराष्ट्रीय समूह का गठन करने वाला है, या फिर इसके मायने क्या होंगे। बम बंदूक और हथियारों की बात करने वाला तालिबान अब अफगानिस्तान की सत्ता चलाने वाली कठपुतली सरकार के गठन की तैयारी में है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के 4 दिन बाद तालिबान नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। पिछले कई दिनों से नई सरकार के गठन को तालिबान के नेता चर्चा कर रहे थे। नई सरकार का मुखिया तालिबान का दूसरे नंबर का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकता है। बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। वर्ष 1996 से 2001 तक जब तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन था, तब भी मुल्ला बरादर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि तालिबान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का शासन ईरान की तर्ज पर चलाएगा। ईरान में कैसे शासन चलता है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। ईरान में एक सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता का कद वहां के राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। सर्वोच्च नेता के आदेश पर ही सेना प्रमुख, सरकार और जजों की नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई हैं। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तर्ज पर तालिबान मौलवी हेबतुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी है। यानी अखुंदजादा ही अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा होगा। उसके ही आदेश पर अफगानिस्तान में सत्ता और सेना में बदलाव होगा। राष्ट्रपति बनने वाला मुल्ला बरादर भी हेबतुल्ला अखुंदजादा के नीचे ही काम करेगा। हेबतुल्ला अखुंदजादा मौजूदा समय में तालिबान का सबसे बड़ा धार्मिक नेता है। पिछले 15 साल से बलूचिस्तान प्रांत के कचलाक में एक मस्जिद में रह रहा है। अखुंदजादा कंधार में बीते कई दिनों से सरकार बनाने के सिलसिले में बड़ी बैठक कर रहा था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंधार में रहकर ही अफगानिस्तान को चलाएगा। और जहां तक बात संविधान की है, तो सूत्रों के मुताबिक तालिबान 1964-65 में बहाल किए गए अफगान संविधान को ही अपना सकता है, क्योंकि तालिबान उस संविधान को मानने के पक्ष में नहीं है जिसे बाहरी देशों ने तैयार किया है। तालिबान जो नई सरकार अफगानिस्तान के लिए बनाने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन के ही सदस्य रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद में 25 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक परिषद में 12 इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होंगे। ये इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक कानून के हिसाब से सरकार चलाने में मदद देंगे। वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंत्री पद आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क और आतंकी मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी दिए जाने की संभावना है। तालिबान सरकार बनाने को लेकर बेताब है और काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन आज भले ही हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि अफगानिस्तान में अब इस्लामिक कानून ही चलेगा। बाकी अखुंदजादा या बरादर जो भी अफगानिस्तान की सत्ता चलाएगा, वो सब सिर्फ मोहरे होंगे, क्योंकि असली चेहरा तो चीन और पाकिस्तान में है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।
अब आप इसे भी सोचिए कि कैसे चीन इस पर कंट्रोल करना चाहता है, यानी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता पर चीन का कंट्रोल कैसे है, ये अब आपको हम बताते हैं। और अब देखिए इस चर्चा के सवाल क्या है। चीन के रिमोट से तालिबान का कंट्रोल होगा, सवाल यह है आतंकी सरकार चीन बनेगा मददगार, तालिबान की ताजपोशी में चीन दीवाना, जुबान तालिबान की बोल पाकिस्तान के, तालिबानी ताकत के पीछे चीन की चाल, ये है सवाल, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का किरदार इस पूरे मामले में अब महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद से अमेरिका का ये कह देना कि आईएसआईएस के खिलाफ मिलकर तालिबान के साथ तो हम काम करेंगे और सहयोग करने को तैयार हैं, तो ये अपने आप में कई और ऐसे सवाल हैं जिन्हें पैदा करता है। मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, आप सभी को जानते हैं, मैं परिचय करवा देती हूँ। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर AK सिवच, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं। कर्नल रिटायर संतपाल मेरे साथ है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार, शुरुआत आप ही से करते हुए सर, अभी आप इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले सीधा सवाल, कल इस सरकार का गठन होना था, कल नहीं हुआ, लेकिन आज इसके गठन की पूरी उम्मीद है। जी आप ठीक कह रहे हैं पयोधी, और ये देखिए केवल एक दिन का डिले नहीं है, ये 15 तारीख को तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि पूरे देश के ऊपर उनका कब्जा हो गया 15 अगस्त को। खाली एक छोटा क्षेत्र बचा है पंजशीर का, जहां पर लड़ाई अभी भी चल रही है। तो मतलब 15 अगस्त से लेकर अभी तक करीब करीब 3 हफ्ते हो गए हैं, परंतु अभी तक वो सरकार इसलिए नहीं बना पाया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही फैक्शनल डिवाइड हैं। देखिए जब लड़ाई हो रही थी तब तो सभी एक प्लेटफॉर्म पर थे, सब एक मिलकर लड़ाई कर रहे थे, परंतु अब बहुत सारे जो ऐसे गुट हैं, जो फैक्शंस हैं, जैसे आपने बहुत ठीक बताया, इसमें एक हक्कानी फैक्शन है, एक मुल्ला याकूब फैक्शन है, तो ये सभी चाहते हैं जो अब समय आ गया है जो हमको भी सरकार जो बनती है उसमें कोई इम्पोर्टेंट पोजीशंस हमको भी मिलनी चाहिए। और एक और भी इसमें बहुत डिस्कनेक्ट डिवाइड जैसे देखा जा रहा था वो है जो दोहा में, चाहे मुल्ला बरादर हो या स्तानिकजाई हो या और लोग हो, जो कि अगले और देशों के साथ बात कर रहे थे, उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे। आपने देखा होगा 28 जुलाई को मुल्ला बरादर गए थे चीन, उससे पहले जुलाई में वो मॉस्को भी गए, फिर तेहरान भी गए, तो वहाँ की जो लोग थे जो कि दूसरे देशों से बातचीत कर रहे थे और जिनका जिसे कहा जाए प्लेजेंट फेस है, बातचीत वो कर सकते हैं थोड़े अच्छे तरीके से, उनका और जो लड़ाकू यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे अफगानिस्तान में, उनके बीच में काफ़ी मनमुटाव है। और अब लड़ाकू चाहते हैं जो हमारी ज़्यादा वहाँ पर सरकार जो बनती है, जिसके पास भी शक्ति आती है, पावर आती है, पोजीशंस आती हैं, तो उसमें उनको भी अच्छा स्थान दिया जाए, इसीलिए ये देख रहे हैं जो 3 सप्ताह के आसपास लग गए हैं। परंतु अब ऐसा पूरा अंदेशा है जो आज तो बिल्कुल इनॉग्रेशन हो जाएगा सरकार का, नई सरकार का। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हेबतुल्ला अखुंदजादा उनके रहबर होंगे, सुप्रीम काउंसिल के वो बनेंगे, जो कि रहेंगे तो वहाँ पर कंदहार में, परंतु उनका बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर चलाएंगे, उनके पास मिनिस्ट्रीज होंगी कहा जा रहा है। ये तो एक सरकार के गठन की प्रक्रिया हो गई। चलिए ठीक है, आप किसी देश में जब नई सरकार बनाते हैं तो उसमें कई तरह की बातें होती हैं, संविधान कौन सा फॉलो किया जाता है, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि वो देश, हम अमेरिका की बात करें, वो देश AK सिवाच जो ये कहता है कि जीरो टॉलरेंस नीति हम आतंकवाद के खिलाफ अपनाएंगे, वो देश जो ये कहता है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे सैनिक मारे गए हैं, वो ये कह रहा है कि तालिबान के साथ मिलकर हम ISIS के खिलाफ काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उसे पता है उसका हित क्या है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि सब अपने अपने हित पे देख रहे हैं। अमेरिका को मालूम है अब सबसे बड़ी थ्रेट है जो इस्लामी स्टेट फोर्स है, और उसके साथ वो अकेला नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अगर उसको तालिबान के साथ मदद चाहिए, क्योंकि इनके अड्डे अभी अफगानिस्तान में,
और उन अड्डों को उड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरासान एक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल सकता है, और उसके अभी ये अफगानिस्तान में नहीं, साउथ एशिया में भी आएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया में भी फैलने के बहुत चांस है। और ये एक बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज है, ये कैलिफेट चाहता है वर्ल्ड के अंदर। अगर ये दूसरे आतंक ग्रुप देखे जाएँ, इंक्लूडिंग तालिबान, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे, वो ज़्यादातर इसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। वो शरिया लो लेना चाहता तालिबान, मगर ये कैलिफेट चाहता बहुत दर्जे का वो है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं, वो अगर जाना चाहता है इस्लामिक स्टेट खोरासान के अगेन, तो उसको तालिबान की जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ एक प्रकार से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट किया जाए कि क्या अमेरिका ने तालिबान को एक प्रकार से मान्यता दी थी या उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज किया था, जब वो 2018 में दोहा में बातचीत तालिबान के साथ करने लग गया और 29 फरवरी 2020 में एक प्रकार एक डील साइन कर लिया तालिबान के साथ, तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक तालिबान को समझने लगा कि वो अगले जो भी गवर्नमेंट बनेगी अफगानिस्तान में वहाँ तालिबान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जो सिचुएशन आ रही है वो एक बहुत फ्लूड है, मगर ये भी सच्चाई है कि आज में जो गवर्नमेंट बनेगी, एक्सपोज होने वाली बात हो गई ना। हम पहले पाकिस्तान और चीन को कह रहे थे, लेकिन अब तो ये समझ में आता है ना कि ब्रादर का रोल और उसे जेल में भेजना, उसे रिहा करवाना, अमेरिका की पाकिस्तान को ये कह देना कि उसे इतने सालों बाद आप रिहा कर दो, और फिर अब आकर अमेरिका अपने पत्ते खोल रहा है। असल में तो देखा जाए अमेरिका ने वेट एंड वॉच किया। रविंदर, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर किरदार था अमेरिका का, सुपर पावर, सबसे पावरफुल राष्ट्रपति, वो आंसू बहा रहा था और उसके बाद लगा कि नहीं अब कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत ने ये पहल की थी यूएनएससी में और G7 में कि हमें जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा, सबको साथ आना होगा, लेकिन ये तो हो गया एक्सपोज। आप भारत की तरफ से क्या कदम देखते हैं, भारत का रोल, उसका किरदार कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की तरफ से तो ऑब्वियसली वेट एंड वॉच पॉलिसी कह रहे हैं, पर मैं बार बार कह रहा हूं ये वेट एंड वॉच तो एक तरह की डक पॉलिसी है। जैसे बत्तख झील में पानी के ऊपर चुपचाप दिखती है पर नीचे पैर मार रही होती है, राइट? हमें काफी चीज साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी। और आप जो अभी ये कह रही हैं और हम सब समझते हैं, देखिए दुनिया की कंट्रीज कहती कुछ है करती कुछ है अपने हित के लिए। अमेरिका अगर हमेशा कहती है वो टेररिज्म से डील नहीं करेगी, पर अमेरिका की हिस्ट्री है, डिक्टेटर्स के साथ पार्टनरशिप करी है अमेरिका ने जाके दूसरे देशों में डेमोक्रेसीज के लीडर्स को गोली मार के मरवा दिया है। तो कहने की बात अलग होती है और करना अलग होता है। अब हमारी पॉलिसी में मेरे ख्याल से दो तीन चीज है। एक तो हमें ईरान से सैंक्शंस हटवाने के लिए प्रेस करना चाहिए, क्योंकि ईरान से सैंक्शंस नहीं हटेंगी तो हम इस पूरे रीजन से जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो भारत को अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल के ईरान से सैंक्शंस हटवानी चाहिए, दैट्स वन कॉन्क्रीट पॉइंट। दूसरा, इस पूरी गेम में कतर एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग का मीडिएटर डिप्लोमेटिक प्लेयर निकल के आ रहा है, तो हमें कतर के साथ मिलके जो भी हमारी डिप्लोमेसी हो, कुछ डिप्लोमेसी हमें कतर से मिलके बढ़ानी चाहिए। तीसरा, सारी दुनिया कहती है कि अफगानिस्तान के अंदर कैसा शरिया आएगा, विमेन और बच्चियों के हालात होंगे, इंडिया को वर्ल्ड में लीडरशिप लेनी चाहिए। यह वक्त इंडिया को चुप बैठने का नहीं है। हम गांधी के देश हैं, हम टैगोर के देश हैं, हमें दुनिया में सॉल्यूशंस और डायलॉग लाने के लिए पहल करनी चाहिए, नहीं तो हम कहां के विश्वगुरु हुए? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हम चुपचाप बैठे रहे कि हम तो बैठ के देख रहे हैं। तो हमें अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी लानी चाहिए, स्पेशली कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स लगाई जाए फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अफगानिस्तान। आप जो बात कर रहे हैं रविंदर, उससे वो तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि अब जैसे वर्ल्ड लीडर की छवि इंडिया की बनी है, अब इसमें लीडिंग रोल में भारत को आ जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर हम फाइनेंशियल असेसमेंट की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो फिर सभी देशों का रुख ये हो सकता है ना, जो अमेरिका ने किया, चीन जो सोच रहा है वो हमें पता है, पाकिस्तान को खुद तालिबान कह चुका है कि वो दूसरा घर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो खनिज संपदा है वो करीब $3 ट्रिलियन है।
अब ऐसे में अफगानिस्तान को कौन है जो छोड़ना चाहेगा? हाँ, क्योंकि तो जब तालिबान कब्जा कर रहा था तब भारत को भी तो इस बात की चिंता थी ना कि हमारे व्यापारिक संबंध उससे खराब होंगे। मैं आर्य रविंद्र संतपाल सर आपसे लूंगी इस पर रिएक्शन। जी देखिए, अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक कंट्री है और यहीं से सारा बिजनेस सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट को जाता है। इसके अलावा चाइना का जो अपना इंटरेस्ट है और जो उनके प्रवक्ता ने भी कल बताया है कि वन रोड वन बेल्ट और इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट जो है मिनरल बेल्ट्स को वो चाइना एक्सप्लॉइट करेगा। और मोरओवर हमारे जो तीन मेजर पॉइंट हैं आज अफगानिस्तान के, नंबर वन सुरक्षा की दृष्टि से, कि सुरक्षा की दृष्टि से आप जो कल तालिबान के जो प्रवक्ता ने बयान दिया है वो कश्मीर के इशू में बोला है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा का पॉइंट है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और पहले भी किया है इन्होंने। लेकिन मैं आपके चैनल से बताता हूं, इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस आज जेएंडके के अंदर बहुत मुस्तैद हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नंबर टू, हमारा जो आर्थिक व्यापार है वो भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आने से और जो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना इनकी पॉलिसी है वो भी बहुत इफेक्ट करेगा। तीसरा, जो चाइना और पाकिस्तान इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनके संबंध तालिबान के साथ घनिष्ठ होने के कारण वो भी हमारे अगेंस्ट में जाएंगे। तो जैसा अभी राय बरिंदर सर ने बताया था जी, कि हमको लीड लेनी चाहिए, एकजुटता बनानी चाहिए ओके, और विश्व के अंदर लीडरशिप प्लस इफेक्टिव मेजर्स काउंटर करने के लिए तालिबान को करने चाहिए। ओके अशोक सज्जनहार, क्या इज दिस द राइट टाइम जब हमें लीडिंग पोजीशन में आना चाहिए? देखिए मेरे विचार से हम सभी देश अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, हम भी एक तो सबसे पहला काम तो ये है जो अपने हितों की हम रक्षा करें। आपने देखा है जो दो दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई, हमारे ऑनबॉय की मुलाकात हुई एम्बेसडर की कतार में, वहाँ पर शेर स्तानिकज़ाई के साथ, तो हमने उनको बताया हमें क्या चाहिए। दूसरा है जो ये मेरे ख्याल से कहना बिल्कुल गलत होगा जो भारत हाथ पर हाथ रखे बैठा है। देखिए भारत बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, अभी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर हमने तीन बारी वहाँ पर उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई अफगानिस्तान के ऊपर, तीन वहाँ पर रेजोल्यूशंस निकल कर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं जो तो अफगानिस्तान ये देखेगा जो उसका जो टेरिटरी है वहाँ पर से आतंकवाद को नहीं पनप देगा, पूरी दुनिया में आतंकवाद को नहीं जाने देगा। फिर देखिए आपने प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है राष्ट्रपति पुतिन से, पिछले सप्ताह 45 मिनट बातचीत हुई, उन्होंने कहा जो एक जॉइंट हम कंसल्टेटिव मैकेनिज्म बनाते हैं राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी का। आपको ये भी मालूम जो है जो हमारे विदेश मंत्री कितनी बारी वहां पर रूस जा चुके हैं, उनके विदेश मंत्री यहां पर आ चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री कितनी बारी वहां पर ईरान भी गए हैं, कतर भी गए हैं। तो देखिए ये कहना जो हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं ये रियलिटी को डिनाई करना है। इंडिया जो है, भारत जो है, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बहुत ही एक्टिवली प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है और सभी को, देखिए सभी को चिंता यही है जो अफगानिस्तान से आतंकवाद दूसरे देशों पर नहीं आए। और आखिरी चीज मैं इसमें ये भी कहूंगा, देखिए चीन के लिए, चीन वहां पर उसके दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, तीन बड़े मुद्दे हैं। एक तो है जो शिनजियांग में जो विगुर मुसलमान हैं वहां पर अपने देश को शिनजियांग में उसको बचा कर रखना, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसे गुट भी हैं जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो वहां पर जाकर उनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो तालिबान ने चीन को कहा है जो हम इनको देखेंगे, जो ETIM जो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो शिनजियांग में कोई ऐसे खलबली, कोई ऐसे दखलंदाजी नहीं करे। दूसरा है इकोनॉमिक, आपने स्वयं कहा है एक से तीन ट्रिलियन डॉलर की वहां पर खनिज पदार्थ हैं।
दूसरा है, तीसरा है वो वहां से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां से जोड़ना चाहता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने देखा है जो इतना उसको फायदा उससे नहीं हो रहा है जब तक कि वो अफगानिस्तान और ईरान से लेकिन नहीं होता। लेकिन वेट एंड वॉच वाली बात जो हम भारत के लिए कर रहे हैं, रविंदर लास्ट कमेंट मुझे चाहिए, अब मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में आप अपना अपनी बात फिनिश करें ताकि मैं एक सिवात से भी ले लूं कि अगर हम वेट एंड वॉच में हैं तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अगर बाकी सारे देश अपना फाइनेंशियल फैक्टर, अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट को देख रहे हैं तो फिर भारत भी उस मूड में है। पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे फायदे, हमारी जो चीजें हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, वो कैसी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये वेट एंड वॉच पॉलिसी कहना गलत है, ये है डक पॉलिसी की ऊपर दिखने में कुछ नहीं हो रहा पर पर्दे के पीछे बहुत मेजर एक्शन हो रहा है इंडियन डिप्लोमेसी का, दैट्स वन। दूसरा, बट स्टिल वक्त है भारत के लिए लीडरशिप लेने का। इस वक्त दुनिया के पास अपॉर्चुनिटी है इस्लाम को रिफॉर्म करने की, कुछ कम से कम। अब ये तालिबान सरकार जो शरिया आएगा ये कैसा -100 होगा या -70 होगा, यहां पर लड़कियों को पढ़ने को नहीं अलाउ किया जाएगा या लड़कियों को 5वीं कक्षा तक या 10वीं उम्र तक या 10वीं साल तक दिया जाएगा। तो दुनिया के पास अपॉर्चुनिटी है, भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, लाकर ग्लोबल डायलॉग पे लीडरशिप ले। देखो ये रियलिटी है, तालिबान है, हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, पर फिलॉसफी आएगी जियो और जीने दो, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, हम जिएंगे तुम्हें जीने दोगे, अगर तुम हमें नहीं जीने दोगे तो हम इसको दो भाग में बांटे। ह्यूमन राइट्स जो आपके अधिकार हैं ये इसको इस पर हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले आकर ये कहा, फिर चाहे महिलाओं का अधिकार हो, वहाँ की आवाम का अधिकार हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी बाकी देशों के साथ साथ भारत की क्या होगी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और अब ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल फोरम पर भी। और अमेरिका का स्टैंड क्या है, रशिया का क्या है, चीन और पाकिस्तान को लेकर और तमाम सुपर पावर देशों की क्या पॉलिसी होगी, क्या रणनीति होगी, ये भी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और ये एक बहुत ही संजीदा संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि नई सरकार का गठन सिर्फ महज एक देश के हित के लिए नहीं है, ये आतंकी संगठनों की सरकार है और इस पर कैसे पूरे देश की निगाहें और कैसा वार होता है ये बड़ा सवाल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.